नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। अब की बार दोस्तों चक्रवाती तूफान दाना आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दाना नाम का समुद्री चक्रवाती तूफान 24, 25, 26 अक्टूबर के बीच भारत के पूर्वी तट, बांग्लादेश, म्यांमार के अंदर हाहाकार मचाने वाला है। बता दें कि चक्रवाती तूफान दाना से पहले ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, तेलंगाना के अंदर झमाझम बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात हैं, नदी नाले बेकाबू होकर चल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 22 अक्टूबर से दाना अपना रूप ले सकता है। चक्रवाती तूफान दाना के असर से पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में जबरदस्त अत्यंत भयानक बारिश होने जा रही है। दिवाली के मौके पर जमकर बारिश होने वाली है। दक्षिण भारत के कर्नाटक समेत तमाम राज्यों में मध्यम से कहीं कहीं पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण गुजरात, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों के अंदर तूफान आने का अलर्ट जारी कर दिया है। केरल, कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु, रायलसीमा में भी भारी बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र के मध्यवर्ती इलाके, मराठवाड़ा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अंदर भी तूफानी बारिश। यहां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले कुछ घंटे के भीतर आंधी तूफान स्टार्ट होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे इलाके, पूर्वोत्तर के राज्य, बिहार, झारखंड के अंदर भी भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर के बाद पहाड़ी राज्य और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। वहीं मौसम विभाग पहले ही बता चुका है कि इस बार कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना होगा। इसकी वजह लानीना का प्रभाव है। लानीना प्रभाव के कारण इस साल मानसून के सीजन में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। इससे पहले अलनीनो प्रभाव के कारण बीते कई साल से कम बारिश देखी गई थी। लानीना में जमीन के समान ही समुद्र की सतह का भी तापमान हो जाता है, जबकि अलनीनो में समुद्र की सतह का तापमान जमीन के मुकाबले कम रहता है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बंगाल की खाड़ी से उठा दाना चक्रवाती तूफान, 24, 25, 26 अक्टूबर को तूफान आने की प्रबल संभावना है। बता दें कि इस तूफान से पहले ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के अंदर बाढ़ जैसे हालात हैं, झमाझम बारिश हो रही है। आप सभी से विनती है कि रात के समय सावधान रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। वर्तमान में किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, वहां का वर्तमान मौसम कैसा है कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।